अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 43 फॉर क्लास 10th एंड वी आर ऑन अवर यूनिट नंबर 11 दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स को ईजी अभी तक डिस्कस कर चुके हैं इन वेरी मच डिटेल। जिस तरह के हम लोग अभी आजकल बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स की, ऑलमोस्ट 3 to 4 लेक्चर्स हैं जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स में हैं प्रीवियस, और आज हम लोग अपने लास्ट लेक्चर को आगे से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अबाउट द बॉन्ड्स, यानी कि डबल बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड हैं, वो किस तरह से जो हैं फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट करते हैं, वो किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफाई करते हैं उनके अंदर जिनके अंदर ये मौजूद होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन्स की बात स्टार्ट की थी तो हम लोगों ने अल्केन्स की स्टार्ट की थी, और अल्केन्स हमने कहा था कि वो होमोलोगस सीरीज़ हैं, और इसी तरह अल्केन्स की तरह ही अल्कीन्स हैं और अल्काइन्स हैं। फ़र्क क्या है कि अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड है और अल्कीन्स और अल्काइन्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है रिस्पेक्टिवली, जैसा कि आप लोग कल के लेक्चर में बहुत डिटेल में जो है ये बात पढ़ चुके होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द टेस्ट्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि एक कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आप आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए वो हम लोग फंक्शनल इन टेस्ट के ज़रिए जो है पता लगा सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक कंपाउंड में कौन सा ग्रुप मौजूद होगा। तो पहला जो टेस्ट आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब है कि जब किसी भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको कहा जाता है कि जिनके अंदर कार्बन की तमाम वैलेंसीज जो हैं सिंगल बॉन्ड के ज़रिए फिल हुई हुई हों, दे आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और अब अगर हमने देखना है अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन का मतलब है कि अगर कार्बन का कोई भी कंपाउंड है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये होता है अनसैचुरेशन, यानी सिंगल बॉन्ड के अलावा कार्बन की वैलेंसीज जो हैं या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए फिल अप हुई हुई हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एन अनसैचुरेशन। तो अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो सबसे पहला जो टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे दैट इज़ द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यानी कि ये देखना है कि सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि क्या आपके कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कि वो आपका जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक वो अनसैचुरेटेड तो नहीं है। तो इसके लिए हम लोग दो टेस्ट यूज़ करते हैं। फर्स्ट टेस्ट इज़ कॉल्ड एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब इस टेस्ट में होता क्या है कि अनसैचुरेशन पता चलेगी, ये अनसैचुरेशन टेस्ट का पहले टाइप है कि पहले एक तरीका है, फर्स्ट उसका मेथड है अनसैचुरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम डिसॉल्व करते हैं अ पिंच ऑफ, पिंच मतलब चुटकी, एक चुटकी आप लोगों ने लेनी है आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसकी, यानी कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपने चुटकी लेनी है, चुटकी भर लेना है जो आप लोगों को टेस्ट करने के लिए दिया गया है कि इसमें टेस्ट करें, इसमें चेक करें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। आपने उसकी एक चुटकी लेनी है और उसको आपने डिसॉल्व कर देना है इन 2 cm³ ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसके 2 cm³ में आपने अपना 1 pinch जो है डिसॉल्व करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें 2 cm³ मजीद जो है ब्रोमीन वाटर डाल देना है इसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ब्रोमीन आपने वाटर डाल देनी है, पहले आपने क्या करना है वन पिंच लेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और उसको डिसॉल्व करना है, उसको डाल देना है 2 cm³ ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में, और उसके बाद आपने 2 cm³ लेना है ब्रोमीन वाटर को और उसको इस सॉल्यूशन के अंदर डाल देना है और उसको अच्छे तरीके से आपने शेक करना है। तो उस वक्त क्या होगा कि ब्रोमीन का जो भी कलर होगा वो डीकलराइज हो जाएगा, यानी कि अब वो कलरलेस हो जाएगा, और अगर वो डीकलराइज है हो गया है तो इसका मतलब कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर अनसैचुरेशन थी, यानी कि उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई एक चीज़ मौजूद थी। और अगर वो डीकलराइज नहीं होता, ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसके अंदर कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड मौजूद नहीं था, उसके अंदर जस्ट सैचुरेटेड कंपाउंड था जिसके अंदर तमाम के तमाम जो बॉन्ड्स थे वो सिंगल थे।
So this was the first method to identify if there is any unsaturation in the compound or not. ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ. इस टेस्ट का नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट. इसमें हम क्या करते हैं कि एक पिंच, वन पिंच आपने लेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो आपको दिया गया है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा. उसकी वन पिंच आपने लेके उसको आपने डिजोल्व कर देना है, ऐड कर देना है कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 cm³ के अंदर. ठीक है, उसके बाद ऐड करने के बाद आप 2 cm³ लेते हैं ब्रोमीन वाटर को और इसको इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर देंगे. और सॉल्यूशन के अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से आप शेक करेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन में अगर आप देखें कि जो ब्रोमीन वाटर है, अगर इसका कलर डीकलराइज हो जाता है, यानी इसका कलर ख़त्म हो जाता है, यह कलर लेस हो रहा है, इसका कलर हट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कंपाउंड था, जो आपने वन पिंच लिया था, वो जो है अनसेचुरेटेड है. उसके अंदर या डबल बॉन्ड मौजूद है या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है. सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पे तौर पे एक्ट नहीं कर रहा होगा. सेकंड जो हमारे पास टेस्ट है चेक करने के लिए कि आया हमारा जो कंपाउंड है वो अनसेचुरेटेड है या नहीं, दैट इज़ बेयर्स टेस्ट. दूसरा, पहला वाला था हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट और सेकंड वाला है हमारे पास बेयर्स टेस्ट. अब बेयर्स टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग डिसॉल्व करते हैं 2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर. जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है जिसको आपने चेक करना है, ठीक है, आपने पहली दफ़ा उसको ब्रोमीन वाटर से आपने चेक कर लिया है, लेकिन फिर भी आप कन्फर्म करना चाहते हैं, तो या फिर अगर आपके पास ब्रोमीन वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप ये बेयर्स टेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कुछ मौजूद है या नहीं है. उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 0.2 ग्राम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसको आप डिसॉल्व कर देते हैं वाटर के अंदर. ठीक है, 0.2 ग्राम आपने लेना है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको टेस्ट करने के लिए दिया गया है, और उसको आपने डिसॉल्व कर दिया है वाटर के अंदर. डिसॉल्व करने के बाद आप इसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे, जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स आपने डालने हैं वेरी केयरफुली ऑफ अल्केलाइन KMnO4. ठीक है, अल्केलाइन KMnO4 का आपने इसके अंदर 2 to 3 जस्ट ड्रॉप्स डाले हैं. उसके बाद आप लोगों ने उसको सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से शेक करना है और उसको सेटल होने दें. फिर आप क्या देखेंगे कि अल्केलाइन जो KMnO4 था उसका सॉल्यूशन में पिंक कलर होता है. अगर वो पिंक कलर डिसॉल्व हो गया है, पिंक कलर हट गया है, निकल गया है उस सॉल्यूशन में से, डीकलराइज हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स मौजूद हैं. अगर पिंक कलर वहाँ पे मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे अनसेचुरेटेड कंपाउंड मौजूद नहीं है. ठीक है, तो ये थे हमारे 2 टेस्ट कि जिसकी मदद से हम लोग अनसेचुरेशन फाइंड आउट कर सकते थे. अनसेचुरेशन उन्होंने वर्ड यूज़ किया है टू फाइंड आउट द डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको 2 क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि आइडेंटिफाई करें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन क्या आपको दे सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें कि अगर अनसेचुरेशन है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या फिर नहीं. सो उसके लिए ये 2 ही टेस्ट हैं, दैट इज़ बेयर्स टेस्ट एंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज़ टू चेक द अल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट करते हैं. हाँ जी, तो जब आप लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका जो कंपाउंड है क्या उसके अंदर और अल्कोहलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH का ग्रुप मौजूद होगा और वो एक्ट कर रहा होगा फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, यानी कि वो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर रहा होगा किसी कंपाउंड की. ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी टेस्ट करने के लिए अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं. जो फर्स्ट टेस्ट है दैट इज़ सोडियम मेटल टेस्ट. सोडियम के मेटल को यूज़ करेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है या नहीं. तो सोडियम मेटल टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 to 3 cm³ लेते हैं, 2 to 3 cm³ ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड. वो लिक्विड फॉर्म में अगर आपको दिया गया है, पहले तो पाउडर फॉर्म में दिया गया था, ठीक है, अभी आपको लिक्विड फॉर्म में दिया गया है, तो आप जो है जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड चेक करने के लिए दिया गया है, ठीक है, आप उसका 2 to 3 cm³ लेंगे ऑर्गेनिक लिक्विड का ड्राई टेस्ट ट्यूब में, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स वगैरह ऐड नहीं होने चाहिए, और उसके अंदर आप डाल देंगे अ पीस ऑफ सोडियम मेटल.
ठीक है। जब आपने सोडियम मेटल का पीस डाल दिया और उसका रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। अगर आपने ऑब्जर्व किया है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्कोहलिक ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद था, और अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद नहीं था। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट है, दैट इज़ एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। जब एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट में देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 1 cm³ लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके वो हमने देखना है, और उसको हम लोग हीट अप करेंगे, ठीक है। हीट अप करके हीट अप करने के दौरान साथ उसमें डालेंगे 1 cm³ ऑफ एसिटिक एसिड। 1 cm³ आपने लेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके साथ आपने लेना है 1 cm³ ऑफ एसिटिक एसिड, और उसके बाद आपने इनको हीट अप किया और उसके अंदर 1-2 ड्रॉप्स आपने डालने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, 1-2 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, उनको अच्छे तरीके से शेक करें। अब रिज़ल्ट क्या आएगा कि फ्रूटी स्मेल आई, तो इसका मतलब है अगर स्मेल जो है वो रिलीज़ होगी वो फ्रूटी होगी, यानी फलों की स्मेल होगी, मीठी स्वीट फ्रैग्रेंस होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो अल्कोहलिक ग्रुप से बना हुआ है, उसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। और अगर कोई भी फ्रूटी स्मेल नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद नहीं है। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये टेस्ट हम कर रहे हैं अल्कोहलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आप चेक करें कि आया इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है या नहीं है। एक्चुअली आपको तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देंगे और आपको कहा जाएगा, तो आप बारी बारी तमाम टेस्ट लगाएंगे। पहले आपने अनसैचुरेशन को टेस्ट कर लिया, अगर उस अनसैचुरेशन का रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब ये हुआ, यानी डीकलराइजेशन हो रही है दोनों टेस्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो आप वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। आपको पता चल गया है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ये वाले हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर वहाँ पर रिज़ल्ट नेगेटिव है, यानी कि वहाँ पे कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है, ये प्रूव नहीं हो सका है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद थे, तो फिर आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या अब इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है या नहीं है। तो अल्कोहलिक ग्रुप के लिए हमारे पास दो किस्म के टेस्ट हैं, एक है सोडियम मेटल टेस्ट और दूसरा है एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट, जैसा कि नाम से वाजिया है कि इसके अंदर सोडियम मेटल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2-3 cm³ ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड लेंगे, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, उसका 2-3 cm³ उसको मैयर करें आप विद द हेल्प ऑफ मैयरिंग बीकर, और उसके बाद आप उसको टेस्ट ट्यूब में ले लें, ठीक है। ये ले लिया टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि आपकी ड्राई होनी चाहिए, उसमें वाटर के कोई भी ड्रॉप्स वगैरह मौजूद नहीं होने चाहिए, मॉइस्चर नहीं मौजूद होनी चाहिए। अब आपने अल्कोहल ले लिया, उसके बाद आपने उसके अंदर एक पीस ऑफ मेटल, सोडियम मेटल का एवरेज पीस, स्मॉल पीस आपने उसका ऐड करना है। उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करें, तो कुछ ही टाइम में वहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब कि ये साबित हो गया कि यहाँ पर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप जो है ऐड मौजूद है, जो उसका फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम कर रहा है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास सोडियम मेटल नहीं है या फिर अगर आप अपने टेस्ट को रीकन्फर्म करना चाहते हैं कि ये अल्कोहलिक ग्रुप ही मौजूद है इसके अंदर, तो आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, दैट इज़ एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट में क्या करते हैं कि आप 1 cm³ लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, विद द हेल्प ऑफ मैयरिंग बीकर आप इसको मैयर कर लें, उसके बाद उसके अंदर ही डालेंगे 1 cm³ ऑफ एसिटिक एसिड, ये भी मैयरिंग बीकर से आप उसको मैयर कर लें। दोनों को आपने हीट अप किया और उसके अंदर आप डालेंगे 1-2 ड्रॉप्स, जस्ट 2 ड्रॉप्स, मैक्सिमम 2 ड्रॉप्स आप ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा, नॉट इन द डाइल्यूट फॉर्म, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा। जब आपने इनको हीट अप किया उसके बाद इसके अंदर आपने 1-2 ड्रॉप्स डाल दिए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, तो आप थोड़ा सा वेट करें, तो अगर वो वहाँ से फ्रूटी स्मेल जो है वो रिलीज़ होती है, यानी स्वीट फ्रेग्रेंस, फलों की खुशबू जैसी स्मेल रिलीज़ होती है इस सारे टेस्ट ट्यूब के अंदर से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्कोहलिक ग्रुप जो है यहाँ पे मौजूद है। और अगर फ्रूटी स्मेल रिलीज़ नहीं होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे मौजूद नहीं है। यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट
टेस्ट, आप और किसी ग्रुप को टेस्ट करेंगे इसमें। तो ये थे हमारे आज के दो टेस्ट जिस पे हमने बात की है। पहला वाला है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि अनसैचुरेशन है या नहीं है, और दूसरा तरीका क्या है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो मौजूद है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में या नहीं। तो ये थे हमारे दो टेस्ट। उम्मीद है आपको यहाँ तक आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक आपको कोई भी इशू, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। तब तक अल्लाह हाफिज़।